हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपके लिए फिल्म जगत की तमाम अहम खबरें, तमाम हर हलचल इन बॉलीवुड में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप जानते ही हैं कि हम फिल्म जगत की हर हलचल के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन दिनों सभी स्टार्स बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं भाई? लॉकडाउन में बिजी हैं। जहाँ पर आप इन दिनों फंसे हुए हैं, आप भी इन दिनों लॉकडाउन में बिजी हैं, क्योंकि कोरोना के चलते आपको घर में रहना है। घर में रहने का आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि लॉकडाउन है तभी आप पूरी तरह से सेफ रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन पीरियड को कई टीवी देखते हुए एंजॉय कर रखे हैं, कोई सीरीज़ देखते हुए एंजॉय कर रखे हैं, कोई कुकिंग करते हुए एंजॉय कर रहे हैं, तो फिटनेस गोल्स के साथ में कोई अपने लॉकडाउन पीरियड बिता रहा है। लेकिन सभी इस समय ये कहा जा सकता है कि अपने फेवरेट स्टार्स की हर एक फिल्म पूरी तरह से देखना चाहते हैं, एक बार फिर से पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही फिल्मों की, वो भी उनके लिए खास तौर से जो बादशाह के फैन हैं। बादशाह यानी शाहरुख खान के फैंस के लिए आज की हमारी खास पेशकश, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं शाहरुख खान की उन 5 फिल्मों के बारे में जो आप अपनी टीवी पे देख सकते हैं, जो आप लैपटॉप पे देख सकते हैं या फिर मोबाइल हैंडसेट्स पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस खास पेशकश की। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक NN बॉलीवुड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप हर खबर पा सके बिल्कुल समय पर। आइए सबसे पहले बात करते हैं शाहरुख खान की एवरग्रीन फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की। शाहरुख की ये ऑल टाइम हिट मूवी शायद ही किसी मूवी लवर को नापसंद होगी। काजोल के साथ शाहरुख खान की इस फिल्म ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो किसी भी और फिल्म के लिए बनाना मुश्किल होगा। साल 1995 में रिलीज हुई ये फिल्म तब से लेकर अब तक लगातार मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में लगी हुई है। लॉकडाउन के सब कुछ बंद होने से पहले तक हर दिन फिल्म का एक शो यहां पर रोज दिखाया जाता था। फिल्म में काजोल ने सिमरन और शाहरुख ने राज का किरदार निभाया था। आज भी सिमरन और राज की प्रेम कहानी हर किसी की जुबान पर है। आप इस फिल्म को Amazon प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करते हैं शाहरुख खान की कल्ट क्लासिक फिल्म कभी हाँ कभी ना की। इस फिल्म के लिए शाहरुख खान को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। सुनील यानी शाहरुख और एना यानी सुचित्रा कृष्णमूर्ति की लव स्टोरी में क्रिस दीपक तिजोरी का ट्राइंगल है। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं शाहरुख खान और काजोल की एवरग्रीन फिल्म कुछ कुछ होता है की। फिल्म के कई डायलॉग्स काफी फेमस हुए थे, जिनमें से एक था कुछ कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे। फिल्म के डायलॉग आज भी लोगों की जुबा पर है। फिल्म में राहुल अंजलि और टीना के बीच के लव ट्राइंगल को दिखाया गया था और इस फिल्म को आप Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं फिल्म मोहब्बतें की। मोहब्बतें के गाने एक अलग किस्म का स्कूल सब लार्जर देन लाइफ होते हुए भी लोगों को बेहद पसंद आए थे। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, शमिता शेट्टी, प्रीति जिंगयानी, किम शर्मा, उदय चोपड़ा, जिमी शेरगिल और जुगल हंसराज ने दमदार एक्टिंग की थी। फिल्म के गाने भी एवरग्रीन हैं। आप भी इस फिल्म को Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। पांचवें नंबर पर बात करते हैं शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश की। इस फिल्म में शाहरुख खान का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। एक मैच्योर नासा इंजीनियर के अपने देश अपने गांव लौटकर उनके लिए कुछ करने का कमिटमेंट और डेडिकेशन फिल्म की खासियत थी। फिल्म का म्यूजिक भी बेहद हिट रहा। आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पर देख सकेंगे। तो दोस्तों आपने भी अपनी जो फेवरेट मूवीज हैं उनको आपने जल्दी से टिक मार्क कर लिया होगा कि इनमें से आपको कौन सी मूवी देखनी है। आपको हमारी खास पेशकश कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं, और आपको किस तरह के टॉपिक पर और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक NN बॉलीवुड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। गुड बाय एंड टेक केयर।